आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में लड़कियों की तालीम के फरोग का मिशन अमरीकी सफीर ने पेशावर में मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, अमरीकी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाके हैं उसकी तालीम पर $40 लाख जो कि तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं वो खर्च करेगी और 4 साल इस मंसूबे के तहत जो लड़कियों के स्कूल हैं वहाँ का इंतजाम इंतजाम बेहतर बनाया जाए। इसी तरह जो दीगर सहूलियात हैं वो भी मुयसर आएंगी। जबकि अमरीकी सफीर का कहना था कि अमरीका खैबर पख्तूनख्वा में तालीम के शोबे की तरक्की के लिए काम करता रहेगा ताकि पाकिस्तान के बच्चों और खासकर लड़कियों को सहूलियात मुयसर हो। उनका ये भी कहना है कि सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खात्मे के लिए खवातीन को अपने पांव पर खड़ा करना जरूरी है और इस मकसद के लिए अमरीका काम करता कर रहा है। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका।